गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व पर पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, 26 दिसंबर को मनाया जाएगा वीर बाल दिवस। लखनऊ में सीएम योगी ने प्रकाश पर्व के मौके पर गुरुद्वारे में टेका मत्था, गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर गुरुद्वारा पहुंचे थे सीएम योगी। दिल्ली में श्री गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर श्रद्धालुओं ने टेका मत्था, प्रकाश पर्व के अवसर पर श्रद्धालुओं को गुरुद्वारा जाने की अनुमति मिली। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में गुरु गोविंद सिंह की जयंती के प्रकाश पर्व पर श्रद्धालुओं ने टेका मत्था, स्वर्ण मंदिर में भारी मात्रा में श्रद्धालु पहुंचे। पीएम की सुरक्षा को लेकर प्रियंका गांधी और चन्नी पर बीजेपी ने साधा निशाना, संबित पात्रा ने पूछा पीएम की सुरक्षा की जानकारी प्रियंका गांधी को क्यों दी गई। संबित पात्रा ने कसा तंज, चन्नी साहब आपने प्रियंका को बोला काम हो गया। चन्नी ने प्रियंका गांधी को पीएम सुरक्षा की जानकारी दी। पीएम की सुरक्षा चूक पर सीएम चन्नी का तंज का, मैं पीएम के लिए मां मृत्युंजय का पाठ करवा दूं, पीएम मोदी को कोई खतरा नहीं था। चन्नी के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा सीएम ने संविधान के तहत गोपनीयता की शपथ का किया उल्लंघन, कांग्रेस वाले अब भी गुलाम। पीएम की सुरक्षा के मामले में बड़ी कार्रवाई, पंजाब के डीजीपी और फिरोजपुर एसएसपी का हुआ तबादला, सीएम चन्नी अपने बयान पर अड़े, कहा किसी ने कुछ नहीं किया। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लग सकता है, कांग्रेस महासचिव इमरान मसूद समाजवादी पार्टी में हो सकते हैं शामिल। कांग्रेस नेता इमरान मसूद 10 जनवरी को अपने समर्थकों की बैठक बुलाई है, सूत्रों के मुताबिक मीटिंग के बाद थाम सकते हैं समाजवादी पार्टी का दामन। उत्तर प्रदेश चुनाव पर बोली मायावती, चुनाव में धार्मिक रंग ना दिया जाए, इलेक्शन कमीशन सुनिश्चित करे शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव। मायावती ने कहा आचार संहिता का पूरी तरह से पालन हो, सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल ना हो। बीजेपी से 25 सीटों की मांग करेगी निषाद पार्टी, संजय निषाद ने कहा एक दो सीटों पर ऊंच नीच हो सकती है, कुछ सीटों पर बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर लड़ सकते हैं हमारे लोग। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद एक्शन में बीजेपी, उत्तर प्रदेश बीजेपी का पहला चुनावी पोस्टर जारी। उत्तर प्रदेश में मोदी और योगी के चेहरे पर बीजेपी लड़ेगी चुनाव, नारा है मोदी है तो मुमकिन है, योगी है तो यकीन है। चुनावी शंखनाद में उत्तर प्रदेश में सियासी पार्टियों के बीच जुबानी जंग तेज, सीएम योगी ने अखिलेश को बताया चुनावी रामभक्त। अखिलेश की मुफ्त रेवड़ियां बांटने वाली सियासत पर सीएम योगी का पलटवार, का विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है, महज घोषणा भी रही है। चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद बोले उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, 10 मार्च को करेंगे सत्ता में वापसी। चुनाव तारीखों के ऐलान पर बोले उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव मौर्य, चुनाव को लेकर हमारी तैयारी पूरी, 300 से ज्यादा सीटों से जीतेंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच चुनाव आयुक्त सख्त, 15 जनवरी तक रैली, नुक्कड़ सभा, रोड शो पर पाबंदी, डोर टू डोर कैंपेन में भी 5 लोगों को ही इजाजत। काउंसिलिंग वाले दिन भी किसी तरह के जुलूस पर पाबंदी, चुनाव आयोग ने कहा 10 मार्च को किसी भी तरह के विजय जुलूस की इजाजत नहीं होगी। चुनाव में ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान, आयोग ने कहा ड्यूटी करने वाले फ्रंटलाइन वर्कर दी जाएगी बूस्टर डोज। उत्तर प्रदेश में 29% मतदाता पहली बार डालेंगे वोट, महिला वोटर्स की भी भागीदारी बढ़ी, लोगों से ज्यादा मतदान करने की अपील। आचार संहिता लगते ही सपा परिवार में बैठकों का दौर शुरू, मुलायम, अखिलेश, शिवपाल, राम गोपाल यादव की बैठक आज। उत्तर प्रदेश में तारीखों के ऐलान के साथ सोशल मीडिया पर एक्टिव हुए सभी राजनीतिक दल, सभी ने पोस्ट किए अपने अपने नारे और पोस्टर। कानपुर पुलिस कमिश्नर असीम अरुण और ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर राजेश्वर सिंह ने लिया बीआरएस, बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। गुजरात के पोरबंदर से 10 पाकिस्तानी पकड़े गए, पोरबंदर से पाकिस्तानी बोट भी पकड़ी गई, पाकिस्तान की बड़ी साजिश नाकाम। नॉर्थ कश्मीर के गग्गर में मसीहा बने सेना के जवान, भारी बर्फबारी के बीच 6.5 किलोमीटर पैदल चलकर गर्भवती महिला को अस्पताल में कराया भर्ती। रेल यात्रियों को देना पड़ सकता है यूजर चार्ज, स्लीपर कोच के लिए 10 रुपए, फर्स्ट क्लास के लिए 50 रुपए तक देना पड़ सकता है चार्ज, रेलवे बोर्ड ने प्रस्ताव को मंजूरी दी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं, मास्क पहनना सबसे जरूरी। सीएम केजरीवाल ने कहा हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते, दिल्ली में कम से कम पाबंदियां लगाना चाहते हैं।
उत्तर प्रदेश के आगरा में दो पक्षों में विवाद के बाद पथराव और फायरिंग, सियासी रंजिश की वजह से विवाद की आशंका। आगरा में मामूली कहा सुनी में पड़ोसियों की गुंडागर्दी, महिला को बेरहमी से पीटा, पुलिस मामले की जांच में जुटी। हरियाणा के पंचकूला में कैमरे में कैद हुए दो तेंदुए, सड़क किनारे चहलकदमी करते दिखाई दिए। दिल्ली में लगातार हो रही बारिश की वजह से लोगों की बड़ी मुश्किलें, बारिश की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त। मौसम विभाग ने मैदानी इलाकों के लिए जारी किया बारिश का अलर्ट, उत्तर पश्चिम मध्य भारत के मैदानी इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी। पंजाब के फिरोजपुर में धुंध की वजह से विजिबिलिटी लेवल बेहद कम, सड़कों पर हेडलाइट चलाकर चल रही हैं गाड़ियां। कश्मीर से उत्तराखंड तक भारी बर्फबारी, कई जगहों पर रास्ते हुए बंद, उड़ाने रद्द, लोगों को घरों में रहने के निर्देश। जम्मू कश्मीर के पुंछ में लगातार हो रही है बर्फबारी, बर्फबारी की वजह से जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद, सड़कों पर बर्फ की मोटी लेयर बिछी। शिमला में भी हिमपात की वजह से तापमान में भारी गिरावट, घरों की छत और सड़कों पर 5 फीट तक बर्फ जमी। उत्तराखंड के बद्रीनाथ में भी लगातार हो रही है बर्फबारी, पूरे इलाके में बर्फ की मोटी चादर बिछी, लोग घरों में कैद। श्रीनगर एयरपोर्ट में बर्फबारी की वजह से रनवे पर बर्फ जमी, मशीन की सहायता से बर्फ को हटाया गया। उत्तराखंड के गंगोत्री में भारी बर्फबारी के बाद पूरे इलाके में बर्फ की मोटी चादर बिछी, तापमान में भारी गिरावट। उत्तराखंड के केदारघाटी में जमकर हो रही बारिश और बर्फबारी, भीमबली में गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग ध्वस्त। मिनी स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले उत्तराखंड के चोपता में पर्यटकों की भरमार, सैलानी बर्फबारी का उठा रहे लुत्फ। दक्षिणी ब्राजील में जबरदस्त हादसे से हड़कंप, झरने से सटा हुआ पहाड़ी का हिस्सा टूटा, 7 लोगों की मौत। ब्राजील में नौका विहार के दौरान पहाड़ का एक हिस्सा टूटा, हादसे के बाद 10 से ज्यादा लोग लापता, लापता लोगों की तलाश में रेस्क्यू टीम जुटी। और अमेरिका के टेक्सास में पटरी से उतरने के बाद एक मालगाड़ी में भीषण आग, काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू, मालगाड़ी में अलोल लदा था।